Hi friends welcome to English study point friends today here in this video lecture i am going to discuss with you about famous american writer whose name is nathaniel hawthorne so friends here in this particular video first of all i am discussing with you some important points related to nathaniel hawthorne's biography after that i start discussing with you some important points related to nathaniel hawthorne's major work also friends I will be making separate video lecture in which I am going to discuss with you some famous वर्कस ऑफ नथैनल हॉथरॉन दैट इज स्कार्लेट लेटर एज वेल एज ब्लिथी डेल रोमांस फॉर दैट आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियो लेक्चर सो फ्रेंड्स प्लीज डे ट्यून टू दिस नोटिस ऑफ माइंड एंड इसी के साथ आज के लेक्चर की, की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो है नथैनल हॉथरॉन के बर्थ और डेथ डेट के बारे में जानेंगे इनका बर्थ जो है एटीन हंड्रेड फोर में हुआ था एंड इनकी डेथ एटीन सिक्सटी फोर में हुई थी एंड इन्होंने जो है अमेरिका में साइकोलॉजिकल नावल्स को फाउंड किया था तो इन्हें जो है फाउंडर बोला जाता है साइकोलॉजिकल नावल्स का दैन जो है ये इन्हें जो है नथैनल हॉथरॉन को जो है फंडामेंटल आइकन समझा जाता है अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर का एंड जो है अमेरिका में थ्री ग्रेट लिटरेचरर्स थे जिनमें से एक का नाम है नथेनल हॉथरॉन एंड बाकियों का नाम है एडगर पू एंड हर्मन मेलविले सो नथैनल हॉथरॉन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल आइकन ऑफ अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर वन ऑफ़ द ग्रेट लिटरेचरर्स हु शेप्ड अमेरिकन लिटरेचर यानी इन्होंने जो है यानी एडगर पू और साथ ही साथ नथानल हॉथ्रॉन हर्मन मेलविले इन्होंने क्या किया था इन्होंने जो है अमेरिकन लिटरेचर को एक न्यू डायमेंशन प्रोवाइड करने की कोशिश की थी अपने वर्क्स के थ्रू देन जो है इनका जन्म जो है सेलिम में होता है एंड सेलिम जो है एक मैसाचूसट्स में जगह है एंड 4 जुलाई 1804 में जो है इनका बर्थ होता है देन जो इनके फादर थे वो प्रोफेशन से जज थे एंड उनका भी नाम जो है इन्हीं के नाम से सिमिलर है उनका यानी इनके फ़ादर का नाम था नथेनल हथोर्नी प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इनके फ़ादर का नाम था नथेनल हथोर्नी एंड इनका ख़ुद का नाम था नथेनल हथर इनके नाम के आगे डब्ल्यू एड होता है बट इनके फादर के नाम के आगे जो है डब्ल्यू एड नहीं होता है एंड ये भी एक तरीके के ट्रांसीडेंटल राइटर थे हेनरी डेविड थ्योराव और इमर्सन की तरह देन जो है इन्होंने एक ब्रुक फार्म को ज्वाइन किया था वो क्या रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है वो जो है ट्रांसीडेंटल यूटोपियन सोसाइटी को रिफ़्लेक्ट करता है जिस फार्म को इन्होंने ज्वाइन किया था वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है यूटोपियन सोसाइटी की आइडियोलॉजीज़ को एंड ये जो है एक इस तरीके की सोसाइटी को फॉर्म करना चाहते थे जहाँ पर जो है सब लोग हंसी खुशी मिलजुल कर रह सके एंड साथ ही साथ जो है इनकी आइडियोलॉजिकल जो सोसाइटी थी ये चाहते थे कि उस सोसाइटी में जो है लोग जो है ख़ुद के लॉज जो है बनाया करें एंड जो है वो जो है खुद को गवर्न करें ना कि कोई दूसरा आकर उन्हें गवर्न करे और साथ ही साथ जो है वहाँ पर जो लोग हैं वो ट्रांसीडेंटलिज़म जो प्रिंसिपल्स हैं ट्रांसीडेंटलिज़म के उनके प्रिंसिपल्स के हिसाब से चला करें देन बिफोर हिज मैरिज की यानी इनकी शादी से पहले जो है इन्होंने यानी ये जो है नथानल हॉथ्रॉन हौ, जो थे ये एक साल के लिए कॉम्यूनल फार्म में रहे थे जिस फार्म का नाम था ब्रुक फार्म प्लीज रिमेम्बर दिस एंड ये ये जो पर्टिकुलर फार्म था इसे कौन मेंटेन करता था यानी ट्रांसीडेंटलिस्ट जो है इस फार्म को मेंटेन किया करते थे एंड इनका इंटरेस्ट जो है वो फार्म में रहने में क्यों बढ़ा यानी ये जो है क्यों फार्म में जो है रहना चाहते थे वो इसलिए क्योंकि ये जो है सोफ़िया से शादी करने के लिए जो है पैसे बचाना चाहते थे इसलिए जो है ये फार्म में रहने लगे एंड फॉर दैट द फार्म वॉज एन आइडियल प्लेस एंड इनके लिए जो है फार्म एक तरीके की आइडियल जगह थी जहाँ पर जो है किसी भी तरीके का जो फालतू एक्सपेंस होता है वो नहीं लगता था एंड यहाँ पर यानी इस पर्टिकुलर जगह पर ब्रुक फार्म में जो है जो भी काम किया जाता था वो इन्हीबिडेंट्स द्वारा किया जाता था प्लीज़ रिमेम्बर दिस देन हॉथरॉन ने जो है एक लिट्रेरी मैगजीन में भी जो है कॉन्ट्रीब्यूट किया है यानी उस लिट्रेरी मैगज़ीन में जो है ये एडिटर के तौर पर जो है काम करते थे एंड उसी लिटरेरी मैगज़ीन के कंट्रीब्यूशन से जो है इन्होंने जो है अपनी लिटरेरी स्किल्स को जो है धीरे धीरे रिफ़ाइन करना जो है शुरू किया था सो हॉथ्रॉन ऑल्सो सर्वड एज द एडिटर ऑफ अ लिटरेरी मैगज़ीन वेर ही होन्ड हिज लिट्ररी स्किल्स थ्रू राइटिंग शॉर्ट पीसिस कि ये जो है अपनी लिट्ररी स्किल्स को किस तरीके से रिफ़ाइन कर रहे थे ये जो है शॉर्ट पीसिस लिखा करते थे एंड इस मैगज़ीन पर्टिकुलर मैगजीन में जो है कॉन्ट्रीब्यूट किया करते थे एंड दूसरों के वर्कस को एडिट किया करते थे द नेम ऑफ द मैगज़ीन वॉज एंड जिस मैगज़ीन में ये काम किया करते थे उस मैगजीन का नाम है अमेरिकन मैगज़ीन ऑफ यूजफुल एंड एंटरटेनिंग नॉलेज ये पूरा जो है मैगजीन का नाम है सो प्लीज़ रिमेंबर दिस द अमेरिकन मैगजीन ऑफ यूजफुल एंड एंटरटेनिंग नॉलेज प्लीज रिमेंबर दिस दैन वर्कड एट बॉस्टन कस्टम हाउस ये कहाँ पर काम किया करते थे ये बॉस्टन कस्टम हाउस में काम किया करते थे जो कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था एंड ट्रांसीडेंटल यानी जो ट्रांसीडेंटलिस्ट हैं थिंकर्स हैं उनका ऐसा सोचना है कि दैट सोसाइटी इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइज रिलीजन इज़ किलिंग द इंडिविजअल प्योर सोल ये जो हमारी सोसाइटी है जहाँ पर हम रह रहे हैं जिस सोसाइटी के बीच में हम लोग रह रहे हैं और साथ ही साथ जो है ये ऑर्गेनाइज रिलीजन है ये क्या कर रहा है ये इंडिविजुअल्स की प्योर सोल को जो है किल कर रहा है वो जो है यानी इंडिविजुल जो है इनके बीच में रह कर जो है कुछ सोच नहीं पा रहा है यानि सोसाइटी की आइडियोलॉजीज पर ही चल रहा है और ऑर्गेनाइज रिलीजन रिलीजन के जिस तरीके से बिलीव्स और थॉट्स हैं उसी के हिसाब से जो है इंडिविजुअल जीने लग गया है वैसे ही सोचने लग गया है उसकी खुद की थिंकिंग तो चली ही गई है इस वे में जो है कहा गया है ट्रांसीडेंटल बिलीव दैट सोसाइटी इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइज रिलीजन इज किलिंग द इंडिविजुअल प्योर सोल देन पीपल आर गुड अकॉर्डिंग टू ट्रांसीडेंटलिज इनका कहना है कि लोग जो है अगर वाकई में देखा जाए तो बहुत अच्छे हैं इंडिविजुअल जो है एक एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो बहुत अच्छी है ह्यूमन बीइंग जो है इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छा है दे बिलीव्ड इन यूटोपियन सोसाइटीज़ फिर एंड ये जो ट्रांसीडेंटलिस्ट थिंकर्स थे ये जो है यूटोपियन सोसाइटीज़ में विश्वास किया करते थे जहाँ पर जो है हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स को टैलेंट्स को जो है एम्ब्रेस किया जाता है प्रेज की जाती है इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ को जो है एम्ब्रेस किया जाता है और क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द और ये जो है यानी इस तरीके की सोसाइटी में जो है एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकता है कम्यूनिटी के बेटरमेंट के लिए एंड साथ ही साथ जो है बताया जाता है नथेनल हॉथ्रॉन जो थे वो डार्क एक डार्क रोमांटिक राइटर था उनके वर्क्स यानी जिस तरीके से नथानल हॉथरन जो है वर्क्स कंपोज किया करते थे तो इनके वर्क्स जो है डार्क रोमांटिक राइटर जिनका नाम है जेम्स कॉपर उनसे मिलते जुलते हैं so he was similar to dark romantics like James Cooper. Then he added W to his surname. Please remember this yahan यहाँ पर जो है ये main point hai है कि इन्होंने अपने ke aage के आगे add को एड किया क्योंकि ये जो है अपनी फादर के साथ जो रिलेशनशिप थी उसे हाइड करना चाहते थे इनके फादर का नाम था निथैनल हथोरने एंड इनका खुद का नाम था निथेनल हॉथरॉन देन ही रोट बायोग्राफी एंड जो सबसे पहला जो इन्होंने वर्क लिखा था वो ये था इन्होंने जो है बायोग्राफी लिखी थी और फ्रैंकलिन प्योर्स जो थी ये बायोग्राफी थी जो कि इनके द्वारा सबसे पहले लिखी गई थी एंड ये बहुत ज़्यादा जो है फेमस हुई थी बट क्या हुआ था बहुत सारे लोगों ने जो है इस बायोग्राफी को यानी नथानियल हॉथरन की लिखी गई इस बायोग्राफी को जो है क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था देन हिज फर्स्ट पब्लिश नावल अब बात करते हैं इनकी फ़र्स्ट पब्लिश नावल के बारे में जो कि है फन शो प्लीज़ रिमेंबर दिस इसमें क्या बताया गया है ये एक तरीके का सेल्फ पोर्ट्रेट है ऑफ अ हमें जो है इस सोसाइटी में जो है अपने आप को जो है एडजस्ट करते रहना चाहिए और लोगों के बीच में जो है एडजस्ट करते हुए जो है हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए बट अगर हम लोगों के बीच भी रह रहे हैं तो हमें जो है अपने अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी होती है हमेशा जो है उसको जगाए रखना चाहिए इन लोगों के बीच में रह भी देन सो हिज़ फर्स्ट पब्लिड नॉवल फो इज़ सेल्फ़ पोर्ट्रेट ऑफ अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू एडजस्ट टू लिविंग हमें जो है लोगों के बीच में रहकर जो है एडजस्ट करना सबसे पहले सीखना चाहिए और उनके साथ साथ रहते हुए जो है हमें जो है स्परिचुअल इंटीग्रिटी को हमेशा अलाइव रखना चाहिए इसको प्रिजर्व करके जो है हमें लोगों के साथ एडजस्टमेंट बनाते हुए अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए देन देन फ्रेंड्स अब जो है कुछ वर्कस के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो इनका वर्क है वो है टू टोल्ड टेल्स ये 1837 में पब्लिश हुआ था एंड ये एक तरीके का शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है देन जो है स्नो इमेज ये 1852 में पब्लिश हुआ था ये भी एक तरीके का शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है एंड इस शॉर्ट uh, स्टोरीज़ को जो है इन्होंने कैसे लिखना शुरू किया था इन्होंने जो है इन स्टोरीज uh, को लिखते समय जो है इन्होंने कहाँ से मटेरियल जो है वो गैदर किया था सो so, इन्होंने जो है सीरीज़ ऑफ़ हिज कंट्रीब्यूशन टू द लोकल जर्नल्स यानी ये जो है कॉन्टीन्यूसली जो है लोकल जर्नल्स में जो है कंट्रीब्यूशन देते रहते थे जिसकी वजह से जो है इन्होंने जो है मटीरियल गैदर करने की कोशिश की एंड फिर जो है एक वर्क को प्रोड्यूस किया जिसका नाम था टू टू टोल्ड तो टेल्स एंड ये जो स्नो इमेज है ये दोनों ही एक तरीके का शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है देन द मॉसिस फ्रॉम द ओल्ड मैंस एटीन 1846 सिक्स में पब्लिश हुआ था देन फ्रेंड्स अब जो है कुछ शॉर्ट स्टोरीज इन्हीं के द्वारा लिखी हुई शॉर्ट स्टोरीज के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी है यंग गुड मैन ब्राउन देन द मिनिस्टर्स ब्लैक वेल देन है द बर्थ मार्क रेपेसिनीस डॉटर ईथन ब्रांड द आर्टिस्ट ऑफ द Beautiful. ये सारी जो है इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं Then फ्रेंड्स अब जो है इनके मेजर इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में डिस्कशन करते हैं वो है स्कारलेट लेटर फ्रेंड्स इस पर मैं जो है सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊँगी जिसमें मैं जो है क्रिटिकल एन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं इस वर्क को जो है डिस्कस करने की कोशिश करूँगी ये जो वर्क है एटीन हंड्रेड फिफ्टी में पब्लिश हुआ था एंड सेवनटीन सेंचुरी की जो है इस पर्टिकुलर वर्क की सेटिंग है Then, इन द स्कारलेट लेटर हॉथर वॉज ट्राइंग टू अटोन फॉर द सिंस कि यानी इस पर्टिकुलर वर्क को लिख कर जो है हॉथ्रोन क्या करना चाहते हैं वो जो है अपने फोर फादर्स के जो सिंस हैं उन्हें अटोन करना चाहते हैं यानी उसका पश्चाताप यानी इनके फोर फादर ने जो है कुछ सिंस कमिट किए किए होंगे उनके लिए जो है uh, यानी पश्चाताप करना चाहते हैं नथेनल हॉथरॉन दैट ही वॉज अशेम्ड ऑफ एंड जो भी इनके फोर फादर्स ने सिन कमिट किए थे उसके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है ऑफ वॉट हिज प्योरिटन एनसिस्टर्स जो इनके एनसिस्टर्स थे वो प्योरिटन थे हैड डन टू द विचज़ कि इनके एनसिसटर्स ने जो है विचिस के साथ क्या कितना बुरा किया एंड लिटरेचर एक ऐसा मीडियम बन गया है नथेनल हॉथरन के लिए या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसके थ्रू जो है ये इस लिटरेचर को यानी लिटरेचर के पीस को जो लिख कर जो है अपनी फैमिली के जो, जो सिंस है उन्हें जो है एब्सॉल्व करना चाहते हैं यानी उन अपने सिंस जो इनकी फैमिली ने फैमिली के जो एनसटर्स थे उन्होंने कमिट किए थे तो एक लिटरेचर के थ्रू जो है इन सिंस को जो है वो एब्सॉल्व करना चाहते हैं यानी उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं हॉथ्रॉन बिगनस दिस नावल विद एक्सप्लनेशन यानी हॉथरॉन जो है इस पर्टूलर नावल की शुरुआत कैसे करते हैं वो जो है एक्सप्लनेशन के साथ करते हैं और वो भी अन नेम नरेटर के बारे में बताते हैं जो कि एक कस्टम हाउस में काम किया करता था एंड ये कस्टम हाउस क्या है एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है ट्रैफिक को मोनिटर किया जाता है और कस्टम ड्यूटीज़ जो है यहाँ यहाँ पर इस कस्टम हाउस में जो है पे की जाती है वन डे नरेटर फाउंड द बन्च ऑफ ओल्ड पेपर्स कि एक दिन क्या होता है एक नरेटर को जो है बंच ऑफ ओल्ड पेपर्स यानी ओल्ड पेपर्स का बंच मिलता है वो भी कहाँ पर इन द एटिक बिल्डिंग यानी बिल्डिंग के एटिक में मिलता है बंच ऑफ ओल्ड पेपर्स देन वन सेट ऑफ पेपर वॉज टू हंड्रेड इयर्स ओल्ड एंड इन सारे पेपर्स में जो है एक पेपर का सेट जो है वो दो सौ साल पुराना होता है दे वर बर्ंडल्ड विद स्कार्लेट एंड ये जो पेपर्स होते हैं किससे बंडल्ड होते हैं स्कार्लेट से अब यहाँ पे स्कारलेट क्या है एक कलर होता है जो कि जिसकी जो है एम्ब्रॉयडरी uh, जो है गोल्ड की तरह होती है एंड इस पर्टिकुलर स्कारलेट में जो है इस पेपर के बंडल uh, के में जो है एक लेटर मिलता है जिसके टॉप पर जो है ए लिखा हुआ होता है ही टुक दैट बंडल एंड अब क्या होता है कि ये जो है हॉथरन जो है इस बंडल को जो है ले लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं एंड ही वॉज ऑल्सो fired from his जॉब एट द कस्टम हाउस अब फिर क्या होता है कि नथेनल हॉथरन को जो है अपनी जॉब से जो कि वो कस्टम हाउस में रह कर किया करते थे उससे भी निकाल दिया जाता है एंड पता है नथेनल हॉथरन जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्हें जो है इस बोरिंग जॉब से जो है निकाल दिया गया एंड वो जो है वो वाकई में ऐसा चाहते थे कि उन्हें जो है कुछ टाइम के लिए जो है आ, मतलब आ, निकाल दिया जाए ताकि वो जो है ख़ुद को टाइम दे पाएँ रिलैक्स कर पाएं वॉन्टेड टू ब्रेक फ्रॉम अ मोनोटोनस टास्क एंड इस टास्क से यानी ये जो जॉब थी इस मोनोटोनस टास्क से जो है वो ब्रेक चाहते थे ही फाइनली डिसाइडेड टू राइट अ फ़िक्शनल स्टोरी अब वो क्या करते हैं वो फाइनली जो है उन्हें मटेरियल मिल जाता है इन सब सोर्सेज को देखकर जो है एंड वो क्या करते हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि वो जो है अब एक फ़िक्शनल स्टोरी को लिखेंगे एंड बताएंगे कि स्कारलेट लेटर की क्या पावर थी एंड वही जो है विच वॉज़ एक्सप्लेन इन दोज़ पेपर्स एंड स्कारलेट लेटर की जो पावर थी उसे जो है इन 200 साल पुराने जो पेपर्स हैं उनमें एक्सप्लेन किया गया है दिस गेव द नरेटर एंड इंस्पिरेशन एंड इससे क्या हुआ नरेटर को इंस्पिरेशन मिली एंड इन यानी नरेटर ने जो है एक स्टोरी को लिखा देन दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ स्मॉल प्योरिटन विलेज ये स्टोरी जो है किसके बारे में है स्मॉल प्योरिटन विलेज के बारे में एंड अब क्या हुआ है कि जो लोगों का ग्रुप है वो एक साथ मिलकर जो है जेल के सामने मतलब इकट्ठा हुआ हुआ है फ्रॉम द जेल कम्स अ लेडी हेस्टर प्राइन एंड जेल से जो है एक लेडी आती है जिसका नाम होता है हेस्टर प्राइन शी गेट्स आउट ऑफ द जेल अब वो क्या करती है जेल से बाहर जैसे ही आती है लोग जो है उसे ह्यूमिलिएट करते हैं फैंड शी स्टैंड ऑन अ रेस्ट प्लेटफॉर्म जब वो जेल से बाहर आने के बाद जो है एक प्लेटफॉर्म पर तीन घंटे के लिए खड़ी रहती है सभी लोगों के सामने तब लोग क्या करते हैं उसे ह्यूमिलिएट करते हैं एंड लोग उसे क्यों ह्यूमिलिएट करते हैं बिकॉज पीपल हैव कन्विक्टड हर ऑफ अ क्राइम यानी लोगों ने जो है उसे इसलिए मतलब उसको ह्यूमिलिएट करते हैं क्योंकि उसने जो है क्राइम कमिट किया है एंड वो क्या कर रही है वो जो है अपने हस्बैंड को चीट कर रही है किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके शी इज़ चीटिंग ऑन हर हस्बैंड हेस्टर प्राइन हैविंग अ बेबी इन हर हैंड एंड हेस्टर प्राइन के, के हाथों में जो है एक बेबी है द बेबी इज़ बॉर्न आउट ऑफ वेड लॉक एंड ये बेबी कैसे बॉर्न हुआ है वेड लॉक से एंड बताया जाता है कि यानी इस हेस्टर प्राइन लेडी का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जिसकी वजह से जो है ये बेबी बॉर्न हुआ सिंस शी इज़ लिविंग इन अ प्योरिटन विलेज एंड बताया जाता है कि वो जो है एक प्योरिटन विलेज में रहती है जहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिलीजियस है रिलीजियस होने के साथ साथ वहाँ के लोगों के जो व्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है यानी पुराने ख्याल के हैं दे हैव ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस व्यूज़ पीपल बिलीव दैट शी हैड कमिटेड अ वेरी बिग क्राइम एंड अब जब लोगों की जो है सोच इस टाइप की होगी तो लो, लोगों को भी यही लगा कि इस लेडी ने हेस्टर प्राइन नाम की लेडी ने जो है बहुत बड़ा क्राइम जो है कमिट किया है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है और वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके देयर फॉर दे वर ह्यूमिलेटिंग हर इन द पब्लिक एंड यही कारण है जिसकी वजह से जो है उसे पूरे पब्लिक में ह्यूमिलेट किया जा रहा है हेस्टर हैज़ अ डॉटर अब हेस्टर की जो है एक डॉटर है जिसका नाम था पर्ल एंड यहाँ पे पर्ल का मतलब है वेरी प्योर She doesn't think that she has done anything wrong, and एंड उसे लगता है यानी हेस्टर को ऐसा लगता है कि उसने जो है कुछ गलत नहीं किया देन हर डॉटर इज एज प्योर एज द पर्ल्ड एंड उसकी डॉटर जो पर्ल्ड होती है वो प्योर है पर्ल्ड की तरह जिस तरीके से पर्ल प्योर होता है उसी तरीके से जो है हेस्टर प्राइम की डॉटर भी प्योर है देन हेस्टर इज़ वेयरिंग अ स्कारलेट ए अब ये जो हेस्टर प्राइम है इसने एक स्कारलेट जो है पहन रखा है और जिसमें जो है एक लेटर ए जो है वो एनग्रेव्ड है रेड लेटर एन हर क्लोथ एंड ये जो uh, red, uh, लेटर है या, यानी ये जो स्कारलेट है इसमें जो है एक रेड लेटर है जिसमें जो है ए अल्फाबेट जो है वो इसके क्लॉथ पर इंस्क्राइब्ड है ए सिम्बोलाइस एडल्ट्रेस यानी ए का मतलब क्या होता है यहाँ पर एडल्ट्रेस है एडल्ट्रेस का मतलब होता है कि जो वुमेन जो है जिस यानी जो वर्चुलेस होती है बिना किसी वर्चुअस् के दिस स्टैम्प विल रिमेन ऑन द क्लॉथ फ़ॉर एवर एंड ये स्टैम्प जो है ये धब्बा जो है इसके क्लॉथ पर हमेशा रहेगा क्योंकि उसने जो है एक बहुत बड़ा जो है क्राइम कमिट किया है विलेजर्स के हिसाब से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को मेंटेन करके द जजेस ऑफ द टाउन आस्क हर कॉन्टीन्यूसली एंड जो टाउन के जो जजेस हैं वो हमेशा मतलब कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं उस गाय के बारे में हेस्टर प्राइन से कि कौन था वो जिसके साथ जो है इसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है किया है शी हैड अ रिलेशनशिप विद होम शी हैड गॉड पर्ल डॉटर पर्ल यानी उसने जो है यानी किसके साथ जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो मेंटेन किया जिसकी वजह से जो है उसकी डॉटर पर्ल हुई शी डजेंट टेल देम एंड वो जो है यानी हेस्टर प्राइन जो है किसी का भी नाम नहीं लेती है यानी उस गाय का नाम नहीं लेती है जिसके साथ हेस्टर ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है किया था हेस्टर प्राइन हस्बैंड वाज नॉट इन द टाउन फॉर टू इयर्स पता चलता है कि जो हेस्टर प्राइन का हस्बैंड है वो टाउन में दो सालों के लिए नहीं है बल्कि उसने क्या किया है हेस्टर को जो है अमेरिका में भेज दिया है एंड वो ख़ुद जो है दो सालों के से जो है यूरोप में स्टे कर रहा है हेस्टर इज़ लिविंग इन बॉस्टन यानी हेस्टर कहाँ रह रहा है बॉस्टन में देन बाई हर्सल फॉर टू ईयर्स दो सालों से जो है हेस्टर बॉस्टन में रह रही है एंड शी डिड नॉट हैव एनी बडी हु कुड टेक केयर ऑफ़ हर यानी उस यानी उसका कोई नहीं है जो कि इस यानी हेस्टर का ध्यान रखे फ्रॉम द डे वेन शी वॉज ह्यूमिलेटेड इन पब्लिक एंड उस डे से जिस टाइम पर जो है उसे पब्लिक के सामने जो है ह्यूमिलट किया गया उसके हस्बैंड जो है मिलने आए ही डजेंट रिवील टू एनी बडी एंड उसके हस्बैंड ने जो है किसी को कुछ नहीं बताया कि वो जो है हस्टर का हस्बैंड है एंड उसने जो है क्या किया है एक फेक आइडेंटिटी जो है वो ले ली है एंड वो जो है अपना नाम बताता है रॉजर चिलिंगवर्थ देन ही इज़ अ मेडिकल डॉक्टर एंड रॉजर चिलिंगवर्थ कौन है वो एक तरीके का मेडिकल डॉक्टर है वो क्या कर रहा है ही ट्राइज टू फाइंड आउट सीक्रेटली वो जो है सीक्रेटली ढूँढने की कोशिश कर रहा है हु इज़ द पर्सन विद होम हैस्टर हैड अ एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर एंड वो भी जो है ये ढूँढने की कोशिश कर रहा है कि कौन वो इंसान है जिसके साथ जो है हेस्टर का एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर हैस्टर इज पुट बिहाइंड दार्स कि अब जो हैस्टर को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया एंड वेन शी गोज इनसाइड द जेल चिलिंग वर्थ विजिट्स कि जब वो जेल के अंदर चली जाती है चिलिंगवर्थ जो है मिलने आता है जेल में हेस्टर से एंड ही टेल्स हेस्टर शुड नॉट गोइंग टू टेल एनी बडी एंड चिलिंगवर्थ कहता है कि हेस्टर को जो है किसी को भी ये बात नहीं कहनी कि उसकी उसने जो है फेक आइडेंटिटी जो है मेंटेन कर रखी है हेस्टर क्या करती है वो मान लेती है बिकॉज शी इज क्यर्ड ऑफ हर हस्बैंड क्योंकि उसे अपने हस्बैंड से डर लगता है हेस्टर गोज़ आउट ऑफ द जेल अब हेस्टर क्या करती है जेल से बाहर चली जाती है शी मूव्स आउटसाइड द टाउन अब वो जो है टाउन के बाहर घूम रही होती है एंड वो जो है शी स्टार्ट्स टू लिव आउटसाइड द टाउन एंड वो जो है टाउन के बाहर रहने लग जाती है बिकॉज पीपल ऑफ़ द टाउन डोंट एक्सेप्ट हर अब जो है टाउन के लोग जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि टाउन के लोगों की सोच जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है एंड वो जो है एंड हेस्टर जो है काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है तो वो जो है लोग जो है हेस्टर को अब जो है टाउन में रहने नहीं दे रहे हैं क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग हेस्टर ने बहुत बड़ा क्राइम कमिट किया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को मेंटेन करके दे थिंक शी इज़ एडल्ट्रस अब जो है लोगों को गांव के लोगों को ऐसा लगता है वो एडल्ट्रस है यानी ये वर्चुलेस वमेन है हेस्टर दे डोंट लाइक हर एट ऑल अब जो है, है यानी गांव के लोगों को जो है हेस्टर बिल्कुल पसंद नहीं है शी स्टार्ट्स टू वर्क एज अ सीम स्ट्रेस अब वो जो है गांव से बाहर रहकर यानी टाउन से बाहर रहकर जो है वो एक प्रोफेशन uh, ज्वाइन कर लेती है जिसका नाम होता है सीम स्ट्रेस पर्सन हु डज निडल वर्क यानी जो लोग जो है निडल वर्क करते हैं उन्हें बोला चाहता है सीम स्ट्रेस शी वॉन्ट्स टू लिव अ नॉर्मल लाइफ वो क्या करना चाहती है नॉर्मली जो है नॉर्मल लाइफ से जीना चाहती है बट पीपल मेक फन ऑफ हर अब लोग उसका जो है मजाक उड़ाते हैं एंड उसे जो है होर कह कर जो है उसे जो है एज एन होर ट्रीट करते हैं दे डोंट एक्सेप्ट हर एंड लोग जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं हेस्टर क्या है बहुत ज़्यादा स्वीट है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है डूइंग फेवर्स फॉर एवरीबडी स्पाइट ऑफ द ब्रूटल ट्रीटमेंट लोगों यानी लोग उसे ब्रूटली ट्रीट भी करते हैं बट वो जो है उन्हें फिर भी फेवर करती है शी हेज़ रिसिव बाई हैंड्स ऑफ द टाउन पीपल हेस्टर हैड एन अफेयर विद अर्थर डिम्सडेल एंड अब जो है हेस्टर का जो अफेयर होता है वो अर्थर डिम्सडेल से होता है वो जो है एक प्रीस्ट होता है ही हैड एन अफेयर विद हेस्टर द गवर्नर ऑफ द टाउन डिसाइड टू टेक हेस्टर्स चाइल्ड अवे फ्रॉम पर्ल कि अब जो है टाउन के गवर्नर इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि आ, यानी हेस्टर के बेबी यानी पर्ल को जो है हेस्टर से अलग कर दिया जाए ही इज़ कोवर्ड डट हैव द गर्ल्स टू टेल यानी अर्थर डिम स्टिल जो है बहुत ज़्यादा कोवर्ड होता है एंड वो उसके अंदर जो है इतनी पावर नहीं होती है कि वो जो है सबको गाँव वालों को बता सके कि मेरे साथ जो है एस्टर का अफेयर था इट टू टेल एवरीबडी दैट ही इज़ ऑल्सो परसन इन्वॉल्व इन दिस सि रॉजर्ट चिलिंग वर्थ एंड अब बात करते हैं रॉजर चिलिंगवर्थ वो ये एक तरीके का इविल फेलो होता है ये हेस्टर का हस्बैंड होता है ही बिकम्स द शॉर्ट्स हॉट शॉट डॉक्टर इन द टाउन एंड ये एक तरीके का डॉक्टर होता है ही सस्पेक्ट्स दैट डिम स्टिल इज द पर्सन विद होम एंड रॉजर चिलिंगवर्थ क्या करता है सस्पेक्ट यानी डाउट जो है uh, रखता है कि डिम स्टिल ही वही पर्सन होगा जिसके साथ हेस्टर का अफेयर है इन हिज हाउस दे बिकेम फ्रेंड्स एंड यानी रॉजर्ट चिलिंगवर्थ और साथ ही साथ जो है ये कहता है कि डिम्सडेल जो है हेस्टर का दोस्त जो है रॉजर चिलिंगवर्थ के घर पे बना अर्थर डिम्सडेल टॉर्मेंट्स हिमसेल्फ अब जो है अर्थर डिम्सडेल जो है वो अपने आप को बार बार टॉर्मेंट करते हैं टॉर्चर करते हैं ख़ुद को हिज हेल्थ कीप्स ऑन डिटोरिएटिंग अब जो है अर्थर अर्थर डिम्सडेल की जो है uh, जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होती जा रही है गिल्ट की वजह से यानी शर्म की वजह से देन हेस्टर मीट्स डिम्सडेल इन द फॉरेस्ट अब जो है हेस्टर डिम्सडेल से मिलती है फॉरेस्ट में to tell him that Roger Chillingworth is actually her husband. अब वो जो है Hester को, यानी Hester uh, Prine जो है Dimmsdale को बताती है कि Roger Chillingworth जो है उसका actual way name husband है. Arthur Dimmsdale confess to the whole town. अब जो है Arthur Dimmsdale जो है पूरे town के सामने ये confess करता है, कबूल करता है that he is the person who had a uh, who had a affair with Hester Prine. यानी अब जो है अर्थर डिस्डिल जो है ये बोलता है कि पूरे टाउन के सामने कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसके साथ अम, हेस्टर का अफेयर था आफ्टर कन्फेसिंग एवरी थिंग ही डाइज एंड सब कुछ कन्फेस करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है हेस्टर मूव्स टू यूरोप एंड पर्ल ग्रोज अप अब जो है हीस्स्टर यूरोप की तरफ चली जाती है पर्ल जो है इतने टाइम में बड़ी हो जाती है एंड उसकी शादी हो जाती है एक रिच गाय सेस्टर से. कम्स बैक टू बॉस्टन अब जो है हीस्टर फिर से आती है बॉस्टन में जिसके बाद आने के बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है एंड उसे बरी कर दिया जाता है एक ग्रेव के पास और यानी अर्थर डिम्सटेल की ग्रेव के पास एंड वहाँ पर जो है एक लेटर को एग्रेव किया जाता है एंड वो लेटर होता है ए ए यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है सिम्बोलाइज करता है सबसे पहले एडल्ट्री देन एबल हेस्टर प्राइन डिड नॉट यहाँ पर जो है हेस्टर प्राइन को जो है बताया गया है कि वो एक एबल लेडी थी एंड वो कैसे थी हेस्टर प्राइन डिड एवरीथिंग ऑन हर ओन कि हेस्टर प्राइन जो है जो भी चीज़ करती थी वो अपने दम पर करती थी लोगों को सर्व करती थी ब्रूटल ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी एंड शी ट्राई टू मैंटेन हर सेल्फ एज़ वेल एज बॉल यानी उसने जो है अपने आप और अपनी बेटी को भी मैंटेन करके रखा शी वॉज आ एबल लेडी एंड इसी सेंस में जो है वो एक तरीके की एबल लेडी है एंड ए जो है यहाँ पर एक चीज़ एक और चीज़ को सिम्बलाइज करता है वो है एंजल एंड हेस्टर प्राइन जो थी एक तरीके की स्वीट लेडी भी थी देन देन अब नेक्स्ट वर्क के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वर्क है हाउस ऑफ सेवन गेबल्स प्लीज़ रिमेंबर दिस एंड ये पर्टिकुलर वर्क जो है ये 1851 में पब्लिश होता है ये एक तरीके का गौथिक नॉवल है अबाउट द ट्रैकरी ऑफ अ प्योरिटन एरिस्टोक्रेट कि यानी प्योरिटन एरिस्टोक्रेट ने जो है एक पुअर मैन के साथ क्या किया क्या मतलब उसे जो है एक पुअर मैन को प्योरिटन एरिस्टोक्रेट ने जो है किस तरीके से धोखा दिया कन्विक्टेड जस्ट टू लेज़ हैंड्स अपऑन हिज लैंड टू क्रिएट अ ड्रीम हाउस यानी अबाउट द ट्रैकरी ऑफ अ प्योरिटन एरिस्टोक्रेट इन विच ही गॉट अ पुअर मैन कन्विक्टेड यानी इस प्योरिटन एरिस्टोक्रेट ने जो है इस पुअर मैन को जो है पर झूठे इंजाम इन, लगाए एंड वो भी इसलिए क्योंकि वो जो है अपने एक ड्रीम हाउस को क्रिएट करना चाहता था द क्राइम ऑफ द एनसिस्टर्स देन विजिट्स कि अब जो है इस तरीके का क्राइम जो है यानी एनसिस्टर्स का क्राइम जो है वो फिर से विज़िट करता है अपॉन हिज चिल्ड्रन अलोंग विद हिम एंड द स्टोरी ऑफ़ मिज़री एंड रिचनेस कंटिन्यू फॉर जनरेशन एंड ये जो स्टोरी है मिज़री और रिचनेस की ये जो है कंटिन्यू होती रहती है जनरेशन टू जनरेशनस फ़ॉर अबाउट टू सेंचुरीज़ और अनटिल द टाइम इन विच हॉर्थ्रॉन इज राइटिंग यानी ये जो स्टोरी है कि ये जो द क्राइम ऑफ़ द इसिस्टर्स यानी जो इनसिसटर्स का क्राइम था वो जो है फिर से विजिट करता है वो भी किस पर उसके बेटे पर और उसके खुद पर यानि प्योरिटन एरिस्टोक्रेट के जो ख़ुद पर जो है क्राइम विजिट करता है एंड द स्टोरी ऑफ मिज़री एंड रेचनेस कंटीन्यूज फॉर जनरेशन एंड ये जो स्टोरी है मिज़री और रेचनेस की ये जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रहती है और उस टाइम भी कंटिन्यू रहती है जब हॉथरॉन लिखा करती थी इट इज़ रिडीम्ड ओनली बाय फॉर गेटिंग बैड ब्लड कि ये कैसे इसे जो है रिडीम किया जा सकता है वो भी बैड ब्लड को भूल कर जो कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में था ये जो है वर्क एक तरीके का गौथिक नावल है और ये इन न्यू इंग्लैंड फैमिली के बारे में है एंड उनके एंसेस्ट्रल होम के बारे में है एंड ये वर्क जो है नथेनल हॉर्थ्र के कजन से इंस्पायर्ड है जो कि सलेम में रहा करते थे देन हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाई हॉथ्रॉन प्योरिटन ऑब्सेशन एंड साथ ही साथ जो है ये वर्क बहुत ज़्यादा इन्फ्लुस्ड है हॉथ्रोन के प्योरिटन ऑब्सेशन से और साथ ही साथ हिपोक्रेसी सेल्फ राइटिसनेस ऑफ प्योरिटन पीपल स्टोरी ऑफ अ पिंचन फैमिली ये जो है एक ये पर्टिकुलर वर्क एक स्टोरी है पिंचन फैमिली की जिसे जो है कर्ज किया जाता है जनरेशन बिफोर बाय मैन दैट वन ऑफ द इन हैड एक्यूज ऑफ बींग विच दैन दिस वर्क ऑल्सो कनेक्स विद हॉथ्रोन्स ऑन लाइफ यानी इस वर्क का जो है एक तरीके से कनेक्शन भी है हॉथ्रोन की खुद की लाइफ से एंड ये स्टोरी एक पिंचोन फैमिली के बारे में है जिसे कर्ज किया गया था बिफोर बाई मैन दैट वन ऑफ द इंसिस्टर्स हैड एक्यूज ऑफ बींग अिच यानी इस पर्टिकुलर फैमिली के एक एनसिस्टर्स ने जो है इस पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर को जो है कर्ज दिया था विच का कि वो जो है विच बन विच में कन्वर्ट हो जाएगा दैन अब बात करते हैं ब्लिथी रोमांस ये जो पर्टिकुलर वर्क है ये 1852 में पब्लिश हुआ था यह एक तरीके की फ़िक्शनल स्टोरी है जब जो है नथानल हॉथ्रॉन जो है ब्रुक फार्म में रहा करती थी एंड हेनरी जेम्स जो कि एक अमेरिकन राइटर है जिन्होंने जो है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो अपना वर्क है उसमें ब्लथीडेल रोमांस के बारे में बताया था कि ये पर्टिकुलर नोवेल जो है ये सबसे लाइटेस्ट है ब्राइटेस्ट है और लाइवलीस्ट है एंड इसमें एक करेक्टर है माइल्स कोवरडेल जो कि इस पर्टिकुलर वर्क का नरेटर है वो अपना जो है एक्सपीरियंस नरेट करता है इस फार्म में आने के बाद ब्लिथीडेल फार्म में आने के बाद देन हॉथ्रॉन शोज़ द फंडामेंटल बिलीव ऑफ क्रिश्चैनिटी यानी इस वर्क के थ्रू जो है ब्लिथिडेल रोमांस वर्क के थ्रू जो है हॉथ्रॉन जो है क्रिश्चैनिटी के फंडामेंटल बिलीफ को जो है दिखाना चाहती हैं दिखाना चाहता है इट इज़ बेस्ड अपॉन हिज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग एट द ब्रुक फार्म यानी हॉथरॉन का यह पर्टिकुलर वर्क जो है ये उनके खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है जब वो ब्रुक फार्म में रहा करते थे अपने मैरिज से पहले द फार्म वॉज मैंटेन्ड बाय ट्रांसीडेंटलिस्ट ये फार्म जो है ट्रांसीडेंटलिस्ट द्वारा मेंटेन किया जाता था एंड उनके जो है कुछ आइडियल व्यूज़ थे लाइफ के बारे में इन विच इट वॉज बिलीव दैट इफ जस्ट द मॉडर्न थिंग्स आर रिमूव एंड उनका ऐसा सोचना था कि अगर इन मॉडर्न चीज़ों को जो है रिमूव कर दिया जाएगा देन द आइडियल स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी वुड बी अचीव अगर इन मॉडर्न चीज़ों को जो है रिमूव कर दिया जाएगा तब जो है ह्यूमैनिटी की आइडियल स्टेट को जो है अचीव कर लिया जाएगा देन द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्लिथीडेल रोमांस ट्राई टू क्रिएट अन सोसाइटी यानी जो ब्लिथीडेल रोमांस में इनहेबिटेंट्स हैं वो जो है यूटोपियन सोसाइटी का क्रिएशन चाहते हैं अ फार्म वेयर एवरी वन अर्नस इज लिविंग कि एक ऐसे फार्म का क्रिएशन हो जहाँ पर जो है हर जना जो है काम कर सके और जो है हार्ड वर्क कर सके फील्ड्स में रहकर और जो है एक दूसरे के साथ जो है कंप्लीट हारमनी में रह सके हाउ एवर वेरी सोन देअर क्वाइट लाइव आर इन एंड अप ही कुछ टाइम क्या होता है उनकी लाइफ में देखा जाता है कि सब कुछ उथल पुथल हो जाता है क्योंकि उनकी हिस्ट्री जो होती है पास हिस्ट्री जो है उनको घेर लेती है पास हिस्ट्री का जो ओ, हॉर होता है वो जो है उन्हें घेर लेता है देयर पर्सनल जेलेसी वो जो है उनकी पास्ट हिस्ट्री जो है उन्हें बार बार इस चीज़ को याद दिलाती है उनकी पर्सनल जेलेसी को याद दिलाती है एंड रेनकौर गेट्स द बेटर ऑफ देयर ब्रदरहुड एंड साथ ही साथ जो है उनकी पास्ट हिस्ट्री में प्रेजेंट जो लड़ाइयाँ थी उनकी वजह से क्या हुआ उनके बीच में जो है ब्रदरहुड जैसी फीलिंग रह नहीं पाई एंड देयर इंडिविजुअल नेचर गेट्स बेट बेटर ऑफ देयर कलेक्टिव यूटोपियनिज्म एंड साथ ही साथ जो है उनका जो इंडिविजुअल नेचर था वो भी नहीं मेंटेन कर हो पाया एंड जिस बारे में वो सोच रहे थे कलेक्टिव यूटोपियनिज्म के बारे में इस चीज़ का भी जो है क्रिएशन नहीं हो पाया सो, ऐसी सोसाइटी का ही क्रिएशन नहीं हो पाया एंड साथ ही साथ जो है जिस तरीके से वो फिले करना चाहते थे लोगों को जो है हेल्प करना चाहते थे वो भी नहीं हो पाया क्योंकि उनकी हिस्ट्री जो थी पास हिस्ट्री जो है पास हिस्ट्री की वजह से जो है उनको बार बार जो है बहुत ज़्यादा अपने पास्ट की टॉर्चर्स की जो है याद आया करती थी जिसकी वजह से जो है सब कुछ उनकी लाइफ में यानी यूटोपियन की लाइफ में यानी जो ब्लिथीडेल फार्म में रहा करते थे उनकी लाइफ में जो है सब कुछ उथल पुथल हो गया सो हाउ एवर वेरी सोन देयर क्वाइट लाइफ आर इन एन अप ही विल एज देयर हिस्ट्री स्टार्ट कैचिंग अप विद देम देयर पर्सनल चेलिसी एंड रेनकॉर गेट्स द बेटर ऑफ देयर ब्रदरहुड फॉर देयर फेलो फाराम मेट्स एंड देयर इंडिविजुअल नेचर गेट्स बेटर ऑफ देयर कलेक्टिव यूटोपिनिजम एंड द आइडियाज़ ऑफ फिलेंथ्रोपी देन अब जो है लास्ट वर्क को डिस्कस करते हैं लास्ट वर्क है मार्बल फोन जो कि पब्लिश हुआ था 1860 में अकॉर्डिंग टू हॉथरन हिमसेल्फ वन ऑफ हिज मोस्ट कंप्लीट रोमांसेस एंड हॉथर के हिसाब से भी ये जो पर्टिकुलर वर्क है ये एक तरीके का कंप्लीट रोमांस है ये वर्क जो है इसमें जो है ह्यूमन कंडीशन के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ जो है वेल well बिंग की कंडीशन के बारे में भी बताया गया है इट इज़ ऑल्सो सेट इन वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिकल सेटिंग यानी इस पर्टिकुलर वर्क की सेटिंग है इटली में एंड हॉथर टाइम स्पेंट इन इटली एंड इस पर्टिकुलर वर्क में जो है ये भी बताया गया है कि किस तरीके से जो है नथेनल हॉथर ने अपने इटली में रहकर जो है टाइम को स्पेंड किया था एंड इन एक्सपीरियंसिस को जो है कन्वर्ट कर दिया गया रोमांस में एंड उस रोमांस का नाम पड़ा मार्बल फॉन देन देन फ्रेंड्स इसी के साथ के लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फोरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर यू जी सी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग